दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दो तरह के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो जब लाइट गुफा के अंदर जाए, केव के अंदर जाए और टकराए तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जब लाइट केव के अंदर जाए, लाइट केव के अंदर जाए तब बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या करते हैं हम, यहां पीछे सिल्वर करते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कर देते हैं, इस तरफ से पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट चढ़ा दिया जिससे लाइट यहां से आके लड़कर वापस जाए। मतलब ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव के अंदर हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर ए ऐसा देखने में वैसा ही लग रहा, पर यहां पे लाइट बाहर वाले सरफेस पे आएगी, बल्ज वाले सरफेस पे आएगी। कौन सी लाइट जो आ रही है, मतलब रिफ्लेक्शन यहां होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, लाइट यहां पे आके लड़ेगी और लड़कर ऊपर या नीचे या कहीं जाएगी। पीछे से सिल्वर किया और उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया ताकि लाइट यहां से इस तरफ ना जाए, लड़कर इधर ही आए, इसमें लाइट लड़कर वापस यहीं आएगी। तो ये कौन सी साइड हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बल्जिंग वाली होती है। तो जिसकी बल्जिंग वाली रिफ्लेक्टिंग साइड वो कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें लाइट गुफा के अंदर जाए वो कॉनकेव मिरर। आइए अब कुछ टर्म समझते हैं जो मिरर से जुड़े होते हैं या स्फेरिकल मिरर से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सम टर्म्स क्या क्या टर्म है, चलिए कॉनकेव मिरर से समझते हैं सारी कहानी। मान लें कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैं यहां पे बना लेता हूं, ये रहा। अब इस तरफ से आपने इसके पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया। अब देखो ये मिरर, मिरर होता क्या है, ग्लास, क्या होता है ग्लास, ग्लास के पीछे से आपने पॉलिश करके ब्लैक पेंट चढ़ा दिया और इस तरफ से लाइट आएगी। अब देखो ये मिरर देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी स्फीयर से ही निकला है, इस मिरर को हमने किसी एक स्फीयर से काट के बनाया है। तो ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सी, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जाम में पूछा क्या होता है, तो आप बोलो मिरर जिस स्फीयर से तोड़ा गया है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मिरर का जो मिड पॉइंट होता है तो उसको पोल बोलते हैं, मिरर का जो मिड पॉइंट, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं या पी से डिनोट करते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन बनती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर और पोल, सेंटर और पोल के मिड में जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एफ, एफ बोले तो फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मिरर एक स्फीयर से बनता है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, ये जो लाइन ज्वाइन होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसी कहानी है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखो ये रेडियस के बराबर नहीं होगा इस स्फीयर का, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पीसी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देखो ये रेडियस होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है पोल से फोकस का पीएफ, ये जो डिस्टेंस है पोल से फोकस का इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो एक चीज ये समझो, मिरर में जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पोल से होते हैं, कहां से होते हैं पोल से, पोल से सी तक गए तो रेडियस, पोल से एफ तक गए तो फोकल लेंथ। अच्छा फिर एक चीज होती है कि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस का आधा होता है, आर बाई टू, मतलब ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का आधा होगा, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी आर बाई टू और बचा हुआ भी कितना हो जाएगा आर बाई टू, क्योंकि ये कहां पे है, इन दोनों के मिड पॉइंट में है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो इससे जुड़ी थी कि एक पोल होता है मिरर के बीच में और उसका जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका मिड पॉइंट फोकस या फोकल पॉइंट, और ये आर बाई टू, ये आर बाई टू। अच्छा फिर बात आती है कि क्या क्या नियम है और क्या क्या बातें हैं फोकस की,
या कैसे फोकल पॉइंट को डिफाइन करें. सो व्हाट इज फोकस या फोकल पॉइंट, तो आप एक लाइन में ये बोल दोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं. पर इसकी दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन थोड़ी अलग है. क्या डेफिनेशन है? ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया, पीछे से पॉलिश करके ब्लैक कर दिया. अब रे ऑफ, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब रे ऑफ लाइट आई ऐसे, कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और एक और ले आते हैं यहां नीचे से, ये रे ऑफ लाइट भी आई ऐसे. कैसी आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये मिरर से लड़ेंगी और क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट पास करेंगी फोकस से. कहां से पास करेंगी? फोकस से. तो ये फोकस डिफाइन करने का तरीका है. क्या तरीका है? अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में थोड़ा अलग होगा, ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल पॉइंट या फोकस या एफ. तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कॉनकेव मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद वो सब कहां से पास करेंगी? फोकस से. जैसे ये एक रे ऑफ लाइट और लाए, ये भी कैसी है? पैरेलल, तो कहां से पास करेगी? फोकस से. ये लाए पैरेलल, तो मिरर से लड़ने के बाद, मिरर से लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस. सो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. ठीक है. अच्छा, एक चीज और होती है. ये सोच लो ये मिरर है और यहां से रेज आ रही, ये मिरर है और ये रेज आ रही, इनके बीच में मैं यहां पर फोकस को काटता हुआ एक प्लेन रख दूं. अब ये मिरर है और रेज इस तरफ से आ रही, ये मिरर है और ये फोकस को काटता हुआ एक प्लेन रख दिया. ऐसे एक प्लेन को मैं यहां बना के दिखाता हूं. ऐसे एक प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन की क्या खास बात है? कि वो फोकस से पास करता है और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर, फोकस से हमेशा पास करता है. तो ये फोकल प्लेन हो गया और फोकल पॉइंट भी हो गया. फोकल लेंथ भी समझ गए. फोकल लेंथ किसका डिस्टेंस? फोकस का. कहां से डिस्टेंस? पोल से. सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से. तो फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस कहां से? पोल से. अब आते हैं कि हम इमेज कैसे बनाएं. जैसे कॉनकेव में हमसे बोलता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, एफ पे रखा है, तो इमेज कैसे बनाएं? तो उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए. तो रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर. आइए रूल समझते हैं. तीन रूल है टोटल. रूल नंबर वन, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या? कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, तो लड़ने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से. रूल नंबर टू, इसी का उल्टा रूल, इसी का जस्ट उल्टा. एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की, एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास की, तो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी. जस्ट इसका उल्टा. अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लाइट की पाथ को कहीं पे भी पलट दो, तो पूरा वही रास्ता हुआ लेते हुए वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. मैंने रास्ते को पलटा तो पूरा रास्ता पलट गया. और पॉइंट नंबर थ्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो ये मिरर है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, अगर रे ऑफ लाइट किससे पास की? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और मिरर से जाके टकराई, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पलट कर चली जाएगी. ये रहा रूल नंबर थ्री. ए, ये फोकस मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर.
लाइट किससे पास की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जाकर जब ये मिरर से लड़ेगी तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर पार करके गई है तो उसी रास्ते से वापस आएगी। ये तीन रूल हो गए। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास की तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वापस वैसे ही चली जाएगी। बस तीन रूल हैं, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। आइए अब इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हम कब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को रखे। तो हमने रखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे और देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, कि इरेक्ट बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहां पे एक मिरर रख लिया। अब आपको इसको अगर खुद से करना हो तो खुद से ही करेंगे, पड़ोसी आके आपका काम करेगा नहीं। तो इसको जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली चीज जब आप कॉपी में स्टार्ट करिएगा पहले तो एक पेंसिल और स्केल जरूर से रखिएगा और रबड़ ऑफ कोर्स, ठीक है, रबड़, इतनी चीजें होंगी। अब जब आप ये मिरर बनाएंगे बच्चों तो मिरर को ऐसा मत बढ़ाइएगा वरना आपके आंसर गलत आएंगे, डायग्राम गलत बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि सिलेबस में जितने मिरर हैं वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। जैसे इसमें से मैं एक छोटा सा मिरर तोड़ूं तो ध्यान से देखो वो सीधा दिखाई पड़ेगा, ये छोटा सा मैंने तोड़ा मिरर, तो करीब करीब कैसा होगा, सीधा। तो आप मिरर सीधा बनाओगे, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, आप मिरर को तेरा मेरा नहीं सीधा बनाओगे। आप कॉपी में कॉन्केव मिरर ऐसे बनाना, लाइन बनाना और इधर से थोड़ा कर्व कर देना ऊपर से नीचे से, ठीक है, बस इतना। ये नहीं कि ऐसे बना रहे हो, मैं ऑल्दो यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधी लाइन बनानी है तभी ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब पोल से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए फोकस, और फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर चूज कर लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जितनी दूर पे फोकस बनाना उतनी दूर पे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना ये डिस्टेंस उतना ये, 2 लेना हो 2 ले लो, 4 लेना हो 4 लो, जो लेना हो, पर जितना ये उतना ही। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है मैंने, सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही रखते हैं, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। अब किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं, किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए होती हैं। तो मैं इसको और बना लू मिरर को और बड़ा थोड़ा, तो देखो मैंने भी थोड़ा सा मिरर को सीधा कर लिया। अच्छा, अब इस पॉइंट ए से मैं 2 रेस निकालूंगा, पहली रे मैंने निकाली पैरेलल, तो हमें पता है कॉन्केव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस, कॉन्केव में पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस। और दूसरी रे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दूसरी रे पास कराते हैं फोकस से, फोकस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो ये दूसरी रे आई, किससे पास करा दी, फोकस से। आपको ये सारा काम स्केल से करना है, फोकस से। अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल ए, ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, पहली रे हमने क्या ली, पैरेलल, तो फोकस से पास की, दूसरी फोकस से पास कराई तो पैरेलल हो गई। अब आपको देखना है ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेस, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसी जगह पे बनती है इमेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे मीट करेंगी वहां पे बनेगी इमेज। तो ये रही पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये रही दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पहली वाली आ रही, ये दूसरी वाली यहां पे मीट की, तो ए की इमेज यहां बनेगी, इसको बोलेंगे ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर एकदम सीधे में यहां बना लेंगे बी डैश, फिर इनको जोड़ देंगे और जैसी एरो थी वैसे एरो बना देंगे। एक रे पैरेलल लाई फोकस से पास की, एक फोकस से पास की पैरेलल हुई, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मिल रही है, ये वाली गई, ये वाली यहां मिल रही, तो ए की इमेज यहां ए डैश, और इसके जस्ट ऊपर, ए के जस्ट ऊपर क्या बना लोगे, बी डैश, और जोड़ दोगे और एरो ऐसे बना दोगे। अब आप इमेज के बारे में बात करना स्टार्ट करो कि इमेज कहां बनी, कैसी बनी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला पॉइंट, पोजिशन कहां पे बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, सो आप बोल दोगे बिटवीन एफ एंड सी। दूसरा पॉइंट, कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, उल्टी, उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, ये सीधा था इमेज उल्टी बन गई। तीसरी चीज, रियल है कि वर्चुअल, रियल है कि वर्चुअल, अगर रिफ्लेक्टेड रेस, अगर रिफ्लेक्टेड रेस रियल में मीट करे
रियल में मतलब एक्चुअली रियलिटी में मीट करें, कट करें एक दूसरे को, तो इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। तो यहां पे एक्चुअल में कट कर रही है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट, इमेज छोटी हुई कि ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई? तो देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। अब एक चीज समझ लो, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, जहां पे भी इमेज रियल होगी वहां पे इमेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, जहां पे भी रियल वहां पे इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड दिख रहा है, तो ये सारी पोजीशन की हो गई और कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे, अभी ऑब्जेक्ट कहां था? बियॉन्ड सी, अब ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आएंगे। चलिए ऑब्जेक्ट एट सी, आप फिर से इसको सीधा बनाइएगा, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ए बी। अब ए की इमेज बनाने के लिए ए से दो रेज ले जाएंगे, एक कहां से ले जाएंगे? ए से कैसे ले जाएंगे? पहली रे, बोलो रूल क्या है, एक रे ले लेंगे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करती है? फोकस से, बहुत बढ़िया। एक रे क्या करें? फोकस से पास करा ले, लड़के क्या हो जाएगी? पैरेलल। कहीं की भी इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए होती हैं, पहली रे ली पैरेलल, कहां से पास की? लड़ने के बाद फोकस, दूसरी पास करा ली फोकस से, फोकस से पास करने के बाद लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो ऐसे लड़ने के बाद हो गई पैरेलल, तो ये बनी इमेज, ए की इमेज यहां, तो ए की इमेज ए डैश, एक रे पैरेलल लाए आप स्केल से करेंगे और लड़ने के बाद किससे पास करेगी? फोकस से, एक रे फोकस से पास कराई, लड़ने के बाद पैरेलल आप स्केल लग के ड्रॉ करेंगे, यहां दोनों रेस मीट की, कौन सी रेस देखनी है? रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही? तो यहां पे मीट कर रही, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश और इसके जस्ट ऊपर बना देंगे बी डैश और ज्वाइन कर दिया, ये बना दिया। तो बात करें इमेज की पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात पोजिशन कहां पे बनी है? सी पे ही बनी है, यानी इमेज भी सी पर, जब ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। दूसरी बात, सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है, तो हमने बोल दिया इन्वर्टेड। तीसरी बात, रियल है कि वर्चुअल है? तो रेज सच में मीट की है, रेज सच में क्रॉस की है, सच में क्रॉस की है तो रियल, तो मैं बोल रहा था रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में। चौथी, बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है? तो सेम साइज, इट इज ऑफ सेम साइज, आपको पेंसिल और स्केल लेके बनाना है और तब मेजर करेंगे तो कैसी आएगी, एकदम सेम साइज और रूल्स के हिसाब से चलेंगे, जितनी दूर ये उतनी दूर ये। फिर यहां से एक रे पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक फोकस से पास कराया पैरेलल, जहां पे मिला वहां एक ही इमेज ए डैश और उसके जस्ट ऊपर बी डैश और जोड़ दिया। अब इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि उल्टी बनी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हुई जब इमेज कहां पे थी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी। अब ऑब्जेक्ट को और बीच में लाएंगे, सी और एफ। देखो ध्यान से हो क्या रहा है, पिछली बार ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां आई थी, इस बार ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां आ गई, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ आया, इमेज इस तरफ गई। अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, तो नेक्स्ट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो ये मैंने मिरर बनाया, देखिए थोड़ा सा कोशिश की सीधा बनाने की, फिर एक लाइन सीधी ली, कहां से पास की? पोल से, यहां से फोकस और जितनी दूर फोकस बनाया उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख लिया, सी और एफ के बीच में, इसको बोला ए, इसको बोला बी। अब ए की इमेज बनानी है तो कितनी रेज चाहिए? दो। पहली रे ली पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास कर गई। दूसरी रे कहां से पास करा ले? फोकस से। जो रे फोकस से पास की, लड़ने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ए यहां पे कट की दोनों रेस, तो रिफ्लेक्टेड रेस देखनी है कहां पे मीट की, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट की। आप ये सारी चीजें स्केल से करेंगे, जितनी दूर पे फोकस उतनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में ऑब्जेक्ट, सीधी लाइन खींची पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास की फोकस से, स्केल से खींचा, फिर एक रे यहां लड़ी, किससे पास की? फोकस से, लड़ने के बाद पैरेलल। तो ए की इमेज वहां बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट की, यहां पे मीट की, तो ये ए की इमेज बन गई ए डैश और इसके जस्ट ऊपर बी डैश और दोनों को कंबाइन कर दिया, ये रही इमेज। सो इमेज की पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ इमेज, है ना, पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज. तो पोजिशन कहां बनी है, सी के भी बाहर, तो इमेज बनी बियॉन्ड सी. सेकेंड पॉइंट, इमेज कैसी है, सीधी है कि उल्टी है, साफ साफ दिख रहा है उल्टी है, तो कैसी है, इनवर्टेड. तीसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल, रियल मतलब जब रेस सच में मीट करें, यहां सच में मीट की है तो रियल. चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है. तो देखो ये छोटा सा था और इमेज बड़ी सी, मतलब कैसी है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड. अगर ध्यान से देखो तो कुछ हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो इमेज यहां बनी थी छोटी, जब ऑब्जेक्ट यहां आया तो इमेज इसके नीचे बनी बराबर साइज की, जब ऑब्जेक्ट और अंदर आया तो इमेज बाहर चली गई और साइज बड़ी हो गई. ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रही है और इमेज की साइज लगातार बढ़ती जा रही है. पहली बार बनी थी डिमिनिश, दूसरी बार सेम साइज, इस बार एनलार्ज. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे. जब ऑब्जेक्ट सी और एफ से भी आगे बढ़ गया, सबसे पहले सी के बाहर था, फिर सी पे आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, अब एफ पे आएगा. तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस. आइए देखें क्या होगा. ये रे ले ली पैरेलल, यहां पे पोल, यहां पे फोकस और उतनी ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी. अब ए से रे लेके जानी है, तो एक रे मैंने ले ली पैरेलल, जो कि कहां से पास करेगी, फोकस से. ठीक है, कर गई. अब दूसरी रे कहां से ले जाऊं मैं, एक रे पैरेलल आया फोकस से पास की, दूसरी फोकस से कैसे पास कराएं. तो हमने एक तीसरा रूल पढ़ के रखा था, याद है क्या रूल था, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी रे वो जैसे आएगी वैसे ही वापस जाएगी. पहला रूल लगा लिया, पैरेलल आई तो फोकस से पास की, दूसरा फोकस से पास नहीं करा सकते, तो तीसरे रूल पे गए जो कि बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगी जैसे जाएगी उसी रास्ते से वापस आएगी. तो इस रूल को यूज करेंगे. तो एक रे यहां से ऐसी बनाओ कि वो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो. यहां से एक रे ऐसी ड्रॉ करो, ऐसी रे ड्रॉ करो जो पीछे किससे मिल रही हो, पीछे किससे मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही हो. अब ये रे ऐसे गई तो मिरर को ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए. मिरर को लगेगा रे कैसे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए. तो रे जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. अब देखो ये दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मीट कर रही हैं? एक रे पैरेलल आए किसके पास की, फोकस. एक ऐसे ऊपर ले गए और ऐसे ले गए कि पीछे कहां मिल रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मिरर को लगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस आई, तो जैसे आई वैसे ही वापस लौट गई. अब ये दोनों रेस कहां मिट रही बच्चों, ये दोनों रेस हैं पैरेलल रेस. कैसी रेस है, पैरेलल रेस. पैरेलल रेस कहां मिलती हैं? तो आंसर है पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती, पर इंफिनिटी पे मिलती हैं. अब इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, सोचा हुआ कि दो रेस अगर पैरेलल हैं तो वो कहां मिलेंगी जाके, इंफिनिटी. किसी ने देखा नहीं, सिर्फ ये एक कंसेप्ट है. तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट, इमेज एट इंफिनिटी. इमेज कहां बनी है, इंफिनिटी पे. दूसरा पॉइंट, सीधी बनी कि उल्टी बनी. तो सोचो जब ये रेज बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, तो यहां एक इमेज ए डैश और ऊपर बी डैश, तो इमेज कैसी बनेगी, इनवर्टेड. बिलीव नहीं हुआ मेरी बात पे, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा बिटवीन सी एंड एफ, एफ पे पहुंचा नहीं होगा, एफ के पहुंचा नहीं होगा, जस्ट एफ के पहले रखा होगा, तो इमेज कहां बन रही थी, सी के बियॉन्ड, और कैसी, इनवर्टेड. अब ये यहां पहुंच गया तो इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी पे. कैसी, इनवर्टेड. तीसरा पॉइंट, रियल की वर्चुअल, रियल, क्योंकि इनवर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है. चौथा पॉइंट, डिमिनिश्ड की इनलार्ज, तो दिख रहा है बड़ी हो गई, तो हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज. हाईली इनलार्ज क्यों बोला, ये रेस बहुत दूर कहीं जाके मीट करेंगी, ये ऐसे जारी जारी कहीं बहुत दूर मीट करेंगी, तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो हाईली इनलार्ज. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो याद रखना है कि रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल. पैरेलल रेस कहां मीट करती है, इंफिनिटी पे. इमेज कैसी बनेगी, इनवर्टेड और रियल और हाईली इनलार्ज. ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी. ठीक है, अच्छा, तो हो क्या रहा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा था तो इमेज कहां बन के आई थी, इमेज
यहां बनी थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट जब सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई, कैसी थी, इन्वर्टेड पर सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट यहां आया बीच में तो इमेज यहां आ गई, इनलार्ज्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो इमेज इंफिनिटी पे चली गई। तो इमेज का देखो क्या हो रही है कहानी, एक तो इमेज इधर शिफ्ट होती जा रही है और साइज में बढ़ती जा रही। जब बियॉन्ड सी रखा तो इन दोनों के बीच में छोटी बनी, एट सी रखा तो सी पे ही बराबर बनी, सी और एफ के बीच में आए तो सी के बियॉन्ड बड़ी बनी और एफ पे गए तो हाईली इनलार्ज्ड बनी। अब आखिरी केस पे आते हैं, ऑल्दो ये आखिरी केस नहीं है बट वन ऑफ द वेरी टिपिकल केस आते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे चला जाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अभी फोकस तक देख लिया, अब कहा बिटवीन एफ एंड पी और आगे बढ़ गए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सी, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां रख चुके, यहां भी रख चुके, अब यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट, ये रखा, पहली रे पैरेलली, पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से, इसको बोला ए, इसको बोला बी, तो ए से एक रे ले गए पैरेलल, पास की किससे, फोकस से। अब दूसरी रे क्या करें, फोकस से पास नहीं करा सकते, नहीं करा सकते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, ए डॉट 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 जोड़ लो, अब रे को ऐसा ले जाओ जैसे वो कहां से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर को देखने में लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी। अच्छा, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट करेंगी, ये सवाल आया, तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रेस तुम्हारी डाइवर्जिंग है, दे नेवर मीट, जो पैरेलल होती हैं वो फिर भी माना गया इंफिनिटी पे मीट करती हैं, डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं करेगी। पर जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं करेगी तो हमको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज तभी मिलती है जब रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें, तो अब रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर रही पर इसको हम मीट करा सकते हैं, कैसे, प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे की तरफ दोनों को खींचो, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को पीछे खींचा तो पीछे की तरफ जाकर दोनों इस पॉइंट पे कहीं मिल गई, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश और उसके जस्ट नीचे बना लो बी डैश और ये बन गई इमेज। क्या किया, ये रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्जिंग थी, आगे कहीं नहीं मिल रही थी तो मैं इनको पीछे लेके गया अपने आप, और पीछे जहां पे बनी वहां एक इमेज ए डैश और नीचे बी डैश। तो अब इमेज की बात करें तो पहले पोजीशन, तो इमेज कहां बनी है, पहली चीज इमेज बियॉन्ड मिरर बनी है, या बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के अंदर जाके इमेज बनी इस बार, हर बार मिरर के सामने बन रही थी, अब मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड मिरर। दूसरी चीज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, पहली बार इमेज सीधी बनी है, सीधी इमेज को बोलते हैं अपराइट, अप राइट, अप मतलब सीधी और राइट एकदम, या इरेक्ट। तीसरी बात, ये रियल है कि वर्चुअल है, तो रेज एक्चुअली मीट नहीं की, एक्चुअल में रेज मीट नहीं की, हमने उनको मीट कराया। जब हम रेज को मीट कराते हैं, जब हम रेज को मीट कराते हैं तब जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। ऐसे याद रखो कि अपराइट या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल, इन्वर्टेड हमेशा रियल, अपराइट हमेशा वर्चुअल। चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी है, तो दिख रही है इनलार्ज, बड़ी है, सो इनलार्ज। तो फाइनल केस में ऐसा हुआ कि इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई। इसके सिवा जितने केस ले रहे थे आपको इमेज कैसी मिल रही थी, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में ऐसा है जिसमें इमेज क्या मिलेगी, सीधी और वर्चुअल। कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में क्या बनाता है, इरेक्ट और वर्चुअल, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा हो तब सेम साइड पे बनती है, सिर्फ एक केस में। अच्छा, तो ये हो गए कॉनकेव मिरर की डिस्कशन। एक लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, व्हेन लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी। तो ये मैंने मिरर बना लिया और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे समझ लिया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों इंफिनिटी पे जाकर कौन सी रेज मिलती हैं, पैरेलल। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आती हैं, पैरेलल। पैरेलल रेस कहां जाती हैं, इंफिनिटी को। पैरेलल रेस कहां से आती हैं, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से कौन सी रेज आएंगी, पैरेलल। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल। पैरेलल रेस लड़ने के बाद कहां से पास करती हैं, फोकस। रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिली, फोकस पे, तो ये बन गई इमेज। फिर से ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, सिर्फ
पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज मिरर से लड़ी और लड़ने के बाद कहां से पास की, फोकस से। तो हमने बोला इमेज कहां बनी, जहां पे रेज मीट की, तो इमेज एट फोकस, एट फोकस। दूसरी बात, इमेज सीधी बनी कि उल्टी बनी, अब ये सोचना मुश्किल है। अच्छा, रेज सच में मीट कर रही है कि अपियर टू मीट है, रेज सच में मीट कर रही है मतलब कैसी इमेज है, रियल। और बच्चों रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। फिर बात आई साइज की, तो इमेज की साइज बहुत छोटी है, पॉइंट के बराबर है, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। तो अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज। अब पूरी कहानी क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, फोकस पे, कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले गया इस जगह पे, तो इमेज यहां आ गई थी, ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट वन मान लो, और ये इमेज टू, ये इमेज वन। अब इमेज कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट को सी पे ले आए थे, ऑब्जेक्ट थ्री, तो इमेज इसके नीचे आ गई थी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट को यहां ले आए हम बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज इधर भाग गई, बियॉन्ड सी हो गई, कैसी हो गई, मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आए हम, ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी पे चली गई। फिर ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी, उसको छोड़ दो, अब इतनी चीजें समझो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से खिसकता हुआ कहां आया, फोकस। इमेज फोकस से खिसकती हुई कहां चली गई, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, और इमेज बढ़ती भी चलेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। पहली बार पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड। तो इमेज इस तरफ भाग रही है और मोटी बड़ी होती जा रही है, और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा। इन सभी केसेस में, यानी इंफिनिटी से लेकर फोकस तक के सारे केसेस में, इमेज रियल बन रही, इन्वर्टेड बन रही। शुरुआत में जब दूर है तो छोटी, जब पास आ गए तो इमेज बड़ी। पर कहीं पे भी इरेक्ट सीधी इमेज नहीं बन रही, सिर्फ एक केस में, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, सिर्फ इस केस में कौन सी इमेज मिली हमें, इरेक्ट। और इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और साथ में ये कैसी थी, याद रखना, डिमिनिश्ड, 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 सॉरी मैग्नीफाइड, नॉट डिमिनिश्ड, इट वॉज मैग्नीफाइड। कैसी आई थी, मैग्नीफाइड, इस तरफ जब बनी थी तो बड़ी, मैग्नीफाइड। तो कॉनकेव मिरर कौन कौन सी इमेज दे सकता है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, यस, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, यस, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, यस, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, नो। सिर्फ एक इमेज ये नहीं दे पाता कि सीधी इमेज और छोटी इमेज, फिर से सीधी इमेज और छोटी इमेज ये नहीं दे पाता, इसके सिवा सारी इमेज देता है ये। उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, उल्टे में छोटी चाहिए, मिल गई, उल्टे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में बड़ी चाहिए, मिल गई, सीधे में छोटी, सीधे में छोटी, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश, ये इसके पास ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन किसके पास है, कॉन्वेक्स मिरर के पास। तो यहां से स्टार्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्केव मिरर खत्म हुआ, सारी तरह की इमेज फॉर्मेशन हो गई। इंफिनिटी से एफ तक आओगे तो इमेज एफ से इंफिनिटी भागेगी, साइज बढ़ता जाएगा, रियल इन्वर्टेड, और एफ और पी के बीच में जाओगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहले हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। टेंशन नहीं लेना, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ एक केस है, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। तो रूल क्या है भाई, वही रूल है, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, लाइट इसमें इस तरफ से आएगी, तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई, अगर पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और डाइवर्जेंट रे जब पीछे लेके जाओ तो फोकस से मीट करती है। देखो कॉन्केव की अगर, सॉरी कॉन्वेक्स की अगर बात करें, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो स्फीयर ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का स्फीयर ऐसे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा, पोल यहां बनेगा, और फोकस यहां बनेगा पीछे की तरफ, और रेस यहां से आएंगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का फोकस पीछे होता है, कॉन्केव का आगे होता है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल गई तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और ऐसे डाइवर्ज होती हैं कि पीछे कहां से मिले,
फोकस से. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे वो कहां मिलती है, फोकस पे. तो इसकी फोकस की ये डेफिनेशन भी हो गई. किसी ने कहा फोकस डिफाइन करिए कॉन्वेक्स मिरर का. अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर डाइवर्जेस एंड द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड मीट एट फोकस. ठीक है, और रूल भी हो गया कि पैरेलल रे है तो डाइवर्ज होगी, पीछे कहां मिलेगी, फोकस पे. सो दिस वॉज रूल नंबर वन. रूल नंबर वन. रूल नंबर टू क्या है बच्चों? रूल नंबर टू इसी का उल्टा होगा. ध्यान से देखें, ध्यान से देखें क्या है. इस बार इधर सेंटर बनेगा, ये स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा, ये सी ये एफ. अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही, ध्यान से सुने, अगर रे ऑफ लाइट कहां जा रही, फोकस की तरफ जा रही, क्या मिरर उसको इधर आने देगा? नहीं, मिरर तो सिल्वर है, रिफ्लेक्ट कर देगा. तो रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल हो जाएगी. देखो दोनों रूल्स एक दूसरे के उल्टे. अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे कहां से मिल रही होगी, फोकस से ऐसा लगेगा. और अगर रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. तीसरा रूल वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी. फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लड़ पाएगी? नहीं. रे ऐसे आई, कहां जाना चाहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एक रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती है तो जैसे आई है वैसे ही वापस लौट जाएगी. तीनों रूल रिपीट करता हूं. अगर रे पैरेलल आई तो डाइवर्ज करेगी, पीछे कहां से मिलेगी, फोकस से. अगर रे फोकस पे जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होगी तो पलट के उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. ये तीन रूल हो गए. अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं. तो इसमें बहुत ही सारे केस नहीं है. इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एट एनी पोजिशन रख लो. ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इंफिनिटी. एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो. तो मैंने ये मिरर बना लिया और ये प्रिंसिपल एक्सेस बना ली, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना. सॉरी, इसके दोनों चीजें, वेरी सॉरी, इसकी पोल तो इधर होगा पर सर्किल इधर कंप्लीट होगा, तो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, जहां तुम्हारा मन हो, सामने कहीं पे भी. भाई इस तरफ तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते मिरर के पीछे, यहां तो ब्लैक है, लाइट तो इधर से आनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहीं पे भी रख लो. जैसे मैंने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट. चलो रूल्स बताओ. ए बी, एक रे ले ली पैरेलल, बहुत बढ़िया. अब पैरेलल रे लड़ने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज, और ऐसे डाइवर्ज होगी कि पीछे कहां से मिले, फोकस से. यहां से डाइवर्ज होगी पर ऐसे जाएगी कि पीछे कहां से आती हुई दिखे, फोकस से. और क्या करें, दूसरी रे कैसे लें, एक रे ले लेते हैं टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. कहां जाना चाह रही है ये रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, ए ऐसे. अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट कर रही, रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही, एक रे ये आई डाइवर्ज हो गई, पीछे लग रहा है फोकस से आ रही, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी चली गई. अब ये दोनों रेस कहां मीट करेंगी, तो ये दोनों रेस कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेस हैं, ये कहीं मीट नहीं करेंगी. रिफ्लेक्टेड रेस डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं कर रही. हाँ पीछे देखो, एक रे ये जा रही, एक ये, दोनों रेस को पीछे बढ़ाने पर, दोनों रेस को पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे बन रही है. तो एक इमेज यहां ए डैश, नीचे बी डैश, सीधी इमेज बनी है, रेस सच में मीट नहीं की है, तो वर्चुअल भी है और छोटी भी है. तो इमेज पहला पॉइंट बिहाइंड मिरर, कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड मिरर बिटवीन एफ एंड पी, रियल है कि वर्चुअल है, रेस सच में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, मतलब वर्चुअल, ऐसा लग रहा है मीट की है, ऐसा लग रहा है, इट अपियर्स टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं की. तीसरी चीज सीधी है कि उल्टी, सीधी तो इरेक्ट या अपराइट, तो मैं आपको बता रहा हूं वर्चुअल और ये चीजें साथ में चलेंगी. चौथी पॉइंट, बड़ी है कि छोटी है, छोटी है तो बोला डिमिनिश्ड. यही एक फीचर कॉन्केव नहीं दे पाया था, क्या
सीधे में छोटी इमेज, सीधे में छोटी इमेज, इसने दी सीधे में छोटी। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक इमेज बनाता है सीधी छोटी, और इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। सीधी इमेज छोटी अगर बनी, सीधी इमेज छोटी अगर बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। सीधी इमेज छोटी बनी तो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि किसने इमेज बनाई है तो कॉनकेव। रियल इमेज तो ये बनाता ही नहीं है। अब कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले जाओ, इमेज हमेशा इसी के बीच में रहेगी और हमेशा ही करके से ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इसको करके देख लो। अच्छा भाई, तो ये हो गया जो केस कॉन्केव से छूटा वो कॉन्वेक्स ने बनाया। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये बोल इस तरफ फोकस, इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल, और यहां से भी पैरेलल। अब पैरेलल रेज यहां से लड़कर डाइवर्ज होती हैं और पीछे ऐसा लगता है कहां से आ रही? फोकस से आ रही, डाइवर्ज, और ये भी डाइवर्ज, और पीछे ऐसा लग रहा है कहां से आ रही? फोकस से आ रही। तो तुम ध्यान से देखो रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट कर रही? इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आई, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये आगे जाके कहीं मीट नहीं करेगी, मतलब इस बार भी एक्चुअली मीट नहीं करेगी। तो हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया और ये फोकस पे मीट की। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट की? रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पे मीट की, और रियल में मीट नहीं की, हमने प्रोड्यूस किया। तो इमेज कहां बनी? पहला पॉइंट, इमेज बनी एट फोकस। दूसरा पॉइंट, रियल है कि वर्चुअल है? तो वर्चुअल है, क्योंकि डैश लाइन है पीछे, प्रोड्यूस करना पड़ा। तीसरा पॉइंट, सीधी है कि उल्टी? अब दिख नहीं रहा, अब दिमाग। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट या अपराइट, हमेशा सीधी बनती है। और चौथा पॉइंट, छोटी है कि बड़ी? बहुत छोटी, बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। अभी इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज, मतलब सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी, पॉइंट साइज सीधी में छोटी, सीधी में छोटी कौन बना सकता है? सीधी छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके सिवा सारी इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। सीधी बड़ी, कॉनकेव, उल्टी बड़ी, कॉनकेव, उल्टी सेम साइज, कॉनकेव, उल्टी छोटी, कॉनकेव। समझ में आया? सिर्फ ये क्या बनाता है? इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो ये सारे रूल्स थे, सारी